डियर स्टूडेंट, इन द लास्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 1.4 बिग डेटा बिग इनसाइट वी हैव सीन हाउ बिग डेटा ब्रॉट रिवोल्यूशन इन पीपल्स लाइफ। तो लास्ट वाले जो पार्ट में या फिर हमारे लास्ट वाले वीडियोस में हमने देखा कि जो बिग डेटा है उसने पीपल जो लोग हैं उनके जीवन में लाइफ में किस तरह का रिवोल्यूशन लाया है, एक किस तरह का क्रांतिकारी चेंज बदल उनके जीवन में लाया है। हाउ ऑल आर एक्टिविटीज़ ऑन फेसबुक व्हाट्सएप एंड ट्विटर हेल्प टू कलेक्ट बिग डेटा, कि हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, फिर वो फेसबुक हो, ट्विटर हो और व्हाट्सएप हो, जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं तो किस तरह से ये सारे एक्टिविटीज जो है वो रिकॉर्ड किए जाती है और किस तरह से उससे एक बिग डाटा क्रिएट होता है, निर्माण होता है। एंड हाउ बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ बिग डाटा द कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज आर रैपनिंग द मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम इट, और ये जो बिग डाटा जो भी अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके किस तरह से जो कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, एक फ़ायदा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इन यूजेस ऑफ बिग डेटा वी हैव सीन हाउ बिग डेटा इज़ यूज्ड इन लोकेशन ट्रैकिंग, हमने देखा था कुछ यूजेस देखे थे, उसमें पहला देखा था हमने लोकेशन ट्रैकिंग का, तो लोकेशन ट्रैकिंग के लिए भी बिग डेटा का किस तरह से इस्तेमाल होता है। इन अंडरस्टैंडिंग द वेदर पैटर्न, वेदर सेंसर्स एंड सैटेलाइट्स आर वेरी यूजफुल टू कलेक्ट डेटा, कि हमें वेदर पैटर्न समझने में भी इस बिग डेटा का मतलब जो है उपयोग होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो वेदर सेंसर्स है, सैटेलाइट्स है, वो डेटा कलेक्ट करने में बड़े ही यूजफुल है, उनके माध्यम से जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है या फिर जो भी वेदर के बारे में हमें जानकारी है वो मिलती है बिग डेटा के माध्यम से। वेदर पैटर्न्स गिव अस वार्निंग ऑफ द इम्पेंडिंग नेचुरल कैलामिटीज, ये जो वेदर पैटर्न्स है जो बिग डेटा के माध्यम से समझा जाता है, आने वाला जो भी मतलब नैसर्गिक आपत्तियाँ है, नेचुरल कैलामिटीज है, उसके बारे में भी हमें वार्निंग उसके आधार पे मिलती है। किस तरह की नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक एंड सुनामी, तुमने देखा था जैसे कि फ्लड है, पूर है, महापूर है, अर्थक्वेक है, भूकंप जिसे कहते हैं, और सुनामी, इन तरह की जो भी नेचुरल कैलामिटीज है उसके बारे में पहले ही एडवांस में ही हमें वार्निंग मिल सकती है। तो इस तरह से बिग डेटा का जो इस्तेमाल है वेदर फोरकास्टिंग में भी होता है। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, हमने ये भी देखा था कि जो थर्ड यूज है बिग डेटा का, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में भी बहुत यूजफुल है। विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा द डॉक्टर्स कैन नाउ हैव बेटर डायग्नोसिस ऑफ एनी एलिमेंट, कि बिग डेटा के माध्यम से अब डॉक्टर लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी बीमारी हो, उसके बारे में बेटर डायग्नोसिस कर सकते हैं, उसके बारे में पता कर सकते हैं, अच्छे से उसका निदान लगा सकते हैं। लेट अस सी द रिमेनिंग यूजेस ऑफ बिग डेटा, तो आज हम आज के पार्ट में जो भी बिग डेटा के कुछ और यूजेस है वो देखने वाले हैं। लेट अस सी द यूज नंबर 4, बैंकिंग, फाइनेंस एंड ट्रेडिंग। तो यहाँ हम ये देखने वाले हैं कि ये जो बिग डेटा है वो बैंकिंग के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में और ट्रेडिंग के क्षेत्र में किस तरह से हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। विद द बिग डेटा एनालिटिक्स द इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स ऑफ द पीपल कैन बी स्टडीड, तो ये जो बिग डेटा है इसके एनालिटिक्स मीन्स विश्लेषण के माध्यम से हम जो लोगों का इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, जिस तरह से लोग पैसा लगाते हैं, जिसे निवेश कहते हैं मराठी में गुंतवणूक, तो लोग किस तरह से निवेश करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, पैसा लगाने का उनका जो पैटर्न है, जो पद्धति है, उसके बारे में हम जान सकते हैं, उसकी स्टडी हम यहाँ पे बिग डेटा के माध्यम से कर सकते हैं कि लोग किस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। न्यू इंसाइट्स हैव एनेबल्ड द बैंक्स एंड फाइनेंस कंपनीज टू कम विद सुटेबल प्लान्स, तो बिग डेटा के माध्यम से जो ये न्यू इनसाइट हमें मिली है, एक देखने का नया जो नज़रिया हमें मिला है, उसके माध्यम से क्या हुआ है, जो बैंक्स है या फिर फाइनेंस कंपनियाज है वो उसी आधार पे क्या करते हैं, जो सुटेबल प्रकार के प्लान्स होते हैं, जो उपयुक्त प्रकार की योजनाएं होते हैं वो बनाने में वो समर्थ रहते हैं, और उस आधार पे वो नए जो योजनाएं हैं, उपयुक्त प्रकार के योजनाएं प्लान्स वो बनाते हैं।
बिग डेटा हैज़ एनेबल स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दिस एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस, कि इस बिग डेटा के वजह से ही ये जो भी एजेंसीज है, जो भी कंपनियां हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्था है, उनका सारा जो फंक्शन है, जो भी कार्य वो करते हैं, वो सारा कार्य स्मूथली चलता है, अच्छे से चलता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर इज यूजिंग बिग डेटा टू प्रेडिक्ट एंड प्रिवेंट साइबर क्राइम्स, कार्ड फ्रॉड डिटेक्शंस, अर्चुअल ऑफ ऑडिट ट्रेल्स एक्सेट्रा। तो साइबर क्राइम्स जो है, देन कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, अर्चुअल का मतलब होता है पुरालेख संबंधी, मराठी में जिसको कहते हैं संग्रह वगैरह, और ऑडिट ट्रेल्स मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं जो ऑडिट ट्रेल्स आया है। ऑडिट ट्रेल्स मीन्स अ सिस्टम डैट ट्रेसेस द डिटेल ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू एनी आइटम इन एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड रखने की सिस्टम जिसे लेखा सत्यापन भी कहा जाता है, ऑडिट ट्रेल्स को। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर इज यूजिंग बिग डेटा टू प्रेडिक्ट एंड प्रिवेंट साइबर क्राइम्स, कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, वर्चुअल ऑफ ऑडिट ट्रेल्स एक्सेट्रा। तो आज जो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर्स है, वो बिग डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, जो भी साइबर क्राइम्स होते हैं, जो भी साइबर क्राइम्स जिससे हम गुनाह वगैरह कहते हैं, कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, कार्ड के संबंधित जो भी फ्रॉड होते हैं, और जो लेखा सत्यापन है, ऑडिट ट्रेल्स है, उसके जो भी रिकॉर्ड है, उसके बारे में जो भी फ्रॉड होते हैं, ये सारे प्रिवेंट करने में और उसके बारे में प्रेडिक्शन करने में, उसका अंदाज लगाने में और उससे बचाने में आज बैंक सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर को बिग डेटा का इस्तेमाल होता है या उसकी हेल्प होती है। बाय एनालाइजिंग द पास्ट डेटा ऑफ देयर कस्टमर्स एंड द डेटा ऑन प्रीवियस ब्रूट फोर्स अटैक्स। द ब्रूट फोर्स अटैक्स मीन्स अ साइबर अटैक दैट रिलाइज ऑन गेसिंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ अ टारगेटेड पासवर्ड अंटिल द राइट वन इज फाउंड। कि ब्रूट फोर्स अटैक का मतलब है इस तरह का साइबर अटैक कि एखादे पर्सन का, व्यक्ति का जो भी पासवर्ड होगा, पॉसिबल पासवर्ड होगा, वो गेस करके तब तक कोशिश करते रहना कि जब तक वो राइट पासवर्ड जो है वो हमें नहीं मिलता। इस तरह का एक अटैक, एक क्राइम ही है ब्रूट फोर्स अटैक। बैंक कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर अटेम्प्ट्स। तो बाय एनालाइजिंग द पास्ट डेटा ऑफ देयर कस्टमर्स, कस्टमर्स का इस बैंक या फिर फाइनेंशियल कंपनियों के पास जो भी पास्ट डेटा होता है, पहले का जो डेटा है होता है, उसके आधार पे ये क्या कर सकते हैं, कैन प्रेडिक्ट एंड द डेटा ऑन प्रीवियस ब्रूट फोर्स अटैक्स। और जो भी डेटा पहले अगर कोई अटैक हुआ है, साइबर अटैक हुआ है, जिसके माध्यम से किसी ने पासवर्ड पता करने का प्रयास किया है, तब तक प्रयास किया है जब तक राइट पासवर्ड नहीं मिलता, अगर ऐसा कुछ अटैक पहले हो चुका है, इस बारे में जो भी डेटा, पहला डेटा अवेलेबल होता है, तो इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं बैंक, बैंक्स कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर अटेम्प्ट्स। बैंक जो है, जो फ्यूचर अटेम्प्ट है, आने वाले जो भी ऐसी कुछ कोशिशें अगर हुई, तो उसके बारे में पहले ही प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिग डेटा नॉट ओनली हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग साइबर क्राइम्स। तो इस बिग डेटा का साइबर क्राइम के सिर्फ उसके प्रेडिक्शन में ही, मतलब उसकी हेल्प नहीं होती है, सिर्फ अंदाजा लगाने में ही उसकी हेल्प नहीं होती है, बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन हैंडलिंग इश्यूज रिलेटेड टू मिस्ड ट्रांजेक्शन एंड फेलियर्स इन नेट बैंकिंग। तो यहाँ पे आया है मिस ट्रांजेक्शन मतलब रॉन्ग ट्रांजेक्शंस। तो सिर्फ प्रेडिक्शन करने में नहीं, जो साइबर क्राइम्स होते हैं उसके बारे में अंदाजा लगाने में ही इसका इस्तेमाल नहीं होता है, हेल्प नहीं होती है, बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन हैंडलिंग इश्यूज रिलेटेड टू मिस ट्रांजेक्शंस एंड फेलियर्स इन नेट बैंकिंग। कि नेट बैंकिंग करते समय जो भी फेलियर्स आते हैं, करते समय जो भी अपयश आता है, या फिर एखादे बार जो रॉन्ग ट्रांजेक्शन हो जाता है, ऐसे जो भी इश्यूज है, मामले है, वो हैंडल करने में भी इस बिग डेटा का क्या होता है, हेल्प होता है। इट कैन इवन प्रेडिक्ट पॉसिबल स्पाइक्स ऑन सर्वर्स सो दैट बैंक्स कैन मैनेज ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंगली। तो ये जो बिग डेटा है, ये क्या कर सकता है, इट कैन इवन प्रेडिक्ट पॉसिबल स्पाइक्स ऑन सर्वर्स। सर्वर्स के ऊपर अगर कोई स्पाइक्स हो, मतलब कोई, हम वैसे स्पाइक का तो जो लिटरल मीनिंग है वो खील होता है मराठी में, खीड़ा,
ठीक है, लेकिन स्पाइक्स ऑन सर्वर्स मीन्स कोई ऑब्स्टेकल, इसके बीच में अगर कोई एक काला ऑब्स्टेकल आता है तो क्या हो सकता है, सो दैट बैंक्स कैन मैनेज ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंगली, उसके बारे में, उस आने वाले ऑब्स्टेकल के बारे में प्रेडिक्शन किया जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है, और उसके माध्यम से जो बैंक है वो क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से अपना जो भी ट्रांजेक्शन है वो पूरा कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन पूरा करने में उनको बैंक जो है उनको इस डेटा की इस तरह से भी हेल्प हो सकती है। द सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, जिसे शॉर्ट में यहाँ पे SEC कहा गया है, इज यूजिंग बिग डेटा टू मॉनिटर फाइनेंशियल मार्केट फॉर पॉसिबल इलीगल ट्रेड्स एंड सस्पिशियस एक्टिविटीज। तो ये जो द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है ये क्या करता है, इज यूजिंग बिग डेटा टू मॉनिटर फाइनेंशियल मार्केट्स। तो ये जो भी फाइनेंशियल मार्केट्स है उसके तरफ अपना ध्यान देने के लिए इस बिग डेटा का इस्तेमाल ये SEC करता है। क्यों? फॉर पॉसिबल इलीगल ट्रेड्स एंड सस्पिशियस एक्टिविटीज़, कि अगर कहीं पे इलीगल तरीके से ट्रेडिंग हो रहा है, व्यापार उद्योग हो रहा है, एंड सस्पिशियस एक्टिविटीज़, कहीं पे शंकास्पद एक्टिविटीज़ हो रही है, इन सारी चीज़ों के तरफ ध्यान देने के लिए, फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर ध्यान देने के लिए ये द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है इस बिग डेटा का इस्तेमाल करता है। द SEC इज़ यूजिंग नेटवर्क एनालिटिक्स एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर्स to identify possible frauds in the financial markets. तो ये SEC क्या करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन क्या करता है, इज यूजिंग नेटवर्क एनालिटिक्स, जो भी डेटा उपलब्ध है नेटवर्क के ऊपर उसका एनालाइज करता है, उसका विश्लेषण करता है, एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर के हेल्प के माध्यम से वो क्या करता है, टू आइडेंटिफाई पॉसिबल फ्रॉड्स इन फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में अगर कोई पॉसिबल फ्रॉड्स, मतलब संभाव्य कुछ ऐसे फ्रॉड हो सकते हैं, धोखे हो सकते हैं, उसके बारे में वो पता करने का काम SEC करता है इस बिग डेटा के माध्यम से। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग HFT इज एन एरिया वेयर बिग डेटा फाइंड्स अ लॉट ऑफ यूज टुडे। तो ये जो एरिया है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग इज एन एरिया, ऐसा एरिया है वेयर बिग डेटा फाइंड्स अ लॉट ऑफ यूज टुडे, जहाँ पे बिग डेटा का बहुत बड़े प्रमाण में उपयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। हियर बिग डेटा अल्गोरिदम्स, अल्गोरिदम्स क्या होता है, अल्गोरिदम इज अ प्रोसेस ऑफ सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड इन कैलकुलेशंस स्पेशली बाय अ कंप्यूटर। तो जो कैलकुलेशन करने की जो प्रोसेस है उसमें कंप्यूटर के ऊपर जिसका यूज होता है उसे कहते हैं अल्गोरिदम्स। तो अल्गोरिदम्स आर यूज टू मेक ट्रेडिंग डिसीजंस। तो यहाँ पे जो बिग डेटा है, हियर बिग डेटा अल्गोरिदम्स आर यूज टू मेक ट्रेडिंग डिसीजंस। तो व्यापार संबंधी जो भी डिसीजंस लेने हैं, निर्णय लेने हैं, वो लेते समय बिग डेटा अल्गोरिदम्स का यूज़ किया जाता है। टुडे द मेजॉरिटी ऑफ इक्विटी मीन्स फेयरनेस, निपक्षपातपना, फेयरनेस निपक्षपातपना, इक्विटी ट्रेडिंग नाउ टेक्स प्लेस वाया डेटा अल्गोरिदम्स दैट इंक्रीजिंगली टेक इन टू अकाउंट सिग्नल्स फ्रॉम सोशल मीडिया नेटवर्क्स एंड न्यूज़ वेबसाइट टू मेक बाय एंड सेल डिसीजंस इन स्प्लिट सेकंड्स मीन्स थोड़े ही समय में, मराठी में अत्यल्प वेळात, स्प्लिट सेकंड्स थोड़े ही समय में। तो टुडे द मेजॉरिटी ऑफ इक्विटी ट्रेडिंग नाउ टेक्स प्लेस वाया डेटा अल्गोरिदम्स। तो आज ट्रेडिंग में जो इक्विटी है, निपक्षपात जो चीज़ है, आज उसकी जो जगह है डेटा अल्गोरिदम चुकी है। इसके डेटा अल्गोरिदम के माध्यम से ही उसमें इक्विटी देखने को मिल सकती है, निपक्षपातपना देखने को मिल सकता है। दैट इंक्रीजिंगली टेक इनटू अकाउंट सिग्नल्स फ्रॉम सोशल मीडिया नेटवर्क्स एंड न्यूज़ वेबसाइट टू मेक। तो वो कहाँ से सिग्नल लेता है डेटा अल्गोरिदम्स, जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स है, न्यूज़ वेबसाइट है, उसके माध्यम से सारे सिग्नल संकेत वो प्राप्त करता है। बाय एंड सेल डिसीजन इन स्प्लिट सेकंड, कि कुछ ही थोड़े समय में क्या सारे डिसीजन वो लेता है कि हमें कोई, मतलब कुछ बाय करना है एंड सेल, कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, ये सारे जो डिसीजंस है थोड़ी ही समय में लेने का काम इसके माध्यम से हो सकता है। इसके माध्यम से हमें उसकी मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है। लेट अस सी द नेक्स्ट यूज ऑफ बिग डेटा, दैट इज इन द सेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स। वेन वॉचिंग अ क्रिकेट मैच वी आर शोन
so many permutations. Permutations means changes in the order of a set of things arranged in a group. Permutations means changes in the order of a set of things arranged in a group. तो permutations का मतलब है इस तरह से जो भी किसी भी थिंग्स जो है अरेंज किए हैं उनके ऑर्डर में जो भी चेंज होता है, उनके क्रम में जो भी बदल होता है उसे कहा जाता है permutations. So many permutations and combinations of statistical analysis. तो यहाँ पे क्या कहा है स्कोर के बारे में कि when watching a cricket match, जब हम कोई क्रिकेट मैच देखते हैं, वी आर शोन सो मैनी परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल एनालिसिस. तब हम बहुत सारे परमिटेशंस जो भी थिंग्स अरेंज किए हैं उनके ऑर्डर में जो चेंज है, कॉम्बिनेशंस उनका जो कॉम्बिनेशन है मिश्रण है, ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस जो एक प्रकार का स्टेटिस्टिकल में आंकड़ों के बारे में जो भी विश्लेषण है, ये सारी चीज़ें हम शो करते हैं, हम दिखाते हैं. जायजेंटिक डेटा, जायजेंटिक मीन्स, तो जायजेंटिक मीन्स इमेंस, इमेंस इन साइज, बहुत बड़ा. जायजेंटिक डेटा हैज़ बीन क्रिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द रिकॉर्डिंग ऑफ मैचेस. तो ये जो मैचेस होती है इनको, इनका जो भी रिकॉर्डिंग किया जाता है उसके माध्यम से एक बहुत बड़े तादाद में जो डेटा है वो डेटा क्रिएट होता है, निर्माण होता है. ट्रेनिंग सेशंस एंड वर्कआउट्स, ट्रेनिंग जब होते हैं, जो भी वर्कआउट्स होते हैं, जो भी उनके प्रैक्टिसेस होती है, तो ये सारे रिकॉर्ड के माध्यम से एक बहुत बड़ा डेटा क्रिएट हो जाता है. द डेटा एनेबल्स अ स्पोर्ट पर्सन टू स्टडी हिज परफॉर्मेंस एज वेल एज ऑफ द अदर प्लेयर्स वर्ल्ड वाइड. और ये जो भी डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, ये रिकॉर्ड होने के वजह से जो प्लेयर है उसको अपना परफॉर्मेंस किस तरह का है वो उसके बारे में पता कर सकता है. उसी तरह से जो दूसरे प्लेयर्स है वर्ल्ड वाइड, सारे दुनिया में जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनके परफॉर्मेंस के बारे में भी इस डेटा के माध्यम से, रिकॉर्डेड डेटा के माध्यम से एक आधा प्लेयर क्या कर सकता है, पता लगा सकता है खुद का परफॉर्मेंस और बाकी प्लेयर्स लोगों का परफॉर्मेंस भी वो जान सकता है, इसके बारे में वो सब कुछ समझ सकता है. इट हैज़ ट्रेमेंडसली हेल्प इन इम्प्रूविंग इंडिविजुअल एज वेल एज टीम परफॉर्मेंस. तो इस डेटा के वजह से एक व्यक्तिगत इम्प्रूवमेंट के लिए, व्यक्तिगत सुधारणा के लिए तो उसकी हेल्प होती ही है, एज वेल एज टीम परफॉर्मेंस, और टीम के परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट के लिए भी, सुधारणा करने के लिए भी इस डेटा की बड़े तादाद में ट्रेमेंडसली इसका हेल्प हमें मिल सकती है इस स्पोर्ट्स सेक्टर में. द सेंसर्स एम्बेडेड, एम्बेडेड मीन्स टू फिक्स फर्मली इन सराउंडिंग, टू फिक्स, एम्बेडेड टू फिक्स फर्मली इन सराउंडिंग. इन द स्पोर्ट इक्विपमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर गेम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. तो जो स्पोर्ट इक्विपमेंट होते हैं, जो भी स्पोर्ट से रिलेटेड जो भी साधन सामग्री होती है, उसमें जो सेंसर्स बिठाए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं, उसके माध्यम से हमें क्या मदद मिलती है, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड अवर गेम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. तो हम हमारे गेम को एकदम नजदीक से, पास से समझ सकते हैं. द सेंसर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फील्ड कंडीशंस. इन सेंसर्स के वजह से फील्ड की कंडीशन जो है, किस तरह का मैदान है उसकी कंडीशन हम जान सकते हैं. द वेदर, वेदर के बारे में, हवामान के बारे में हम जान सकते हैं, मौसम के बारे में जान सकते हैं. इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एक्सेट्रा, एक आधे व्यक्ति का परफॉर्मेंस कैसा है उसके बारे में भी हम जान सकते हैं. वीडियो एनालिटिक्स हेल्प अस टू सी ईच एंड एवरी परफॉर्मेंस माइनूटली. जो वीडियो रिकॉर्ड किए जाते हैं उसके विश्लेषण के माध्यम से हम क्या देख सकते हैं, उसकी हमें क्या मदद होती है, इट्स हेल्प अस टू सी ईच एंड एवरी परफॉर्मेंस माइनूटली. हम प्रत्येक जो परफॉर्मेंस है किसी भी प्लेयर का, व्यक्ति का, हम एकदम माइनूटली उसे देख सकते हैं, एकदम क्लियरली हम उसे देख सकते हैं. तो इस तरह से स्पोर्ट्स सेक्टर में भी बिग डेटा जो है उसकी हेल्प हमें मिलती है, उसका यूज होता है. सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टॉप हियर. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस टेक्स्ट और लेसन वी विल सी ऑन नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.